कैप्टन मार्कम को बनाना था क्या? टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलिटिक्स के साथ ऑन cricket.com डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो आ गए हैं आपके साथ और आज जो है दिल्ली में आईपीएल एक्शन की शुरुआत हो रही है, तो वैसे ही मज़ेदार एक चीज़ रहेगी कि भाई एक्शन हमारे पास आ गया है फाइनली। दिल्ली के शुरुआती मुकाबले जो थे वो वाइजैग में थे, लेकिन अब दिल्ली जो है, जो उनका घर है, वहीं पर मुकाबले होस्ट कर रहे हैं। लेकिन टेंशन क्या है कि एक भाई जो ऐसे करके निकले हैं और वो 19 नवंबर से निकले थे, अभी तक तो सही ठीक ठाक चल रहे हैं, हर किसी को चुप कराए जा रहे हैं, तो अब पैट कमिंस के सामने हैं ऋषभ पंत दिल्ली, और दिल्ली का क्राउड अभी कह नहीं सकते क्योंकि जिस तरीके क्रिकेट सनराइजर्स खेल रही है तो आई थिंक एंटरटेन तो सभी हो रहे हैं उस तरीके क्रिकेट से, लेकिन मज़ेदार रहेगा ये मुकाबला। दिलीप भाई, क्या लगता है आपको इस मुकाबले में किस तरीके से जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली को भी आप देखोगे तो आप कहोगे कि जायंट किलर्स रहे हैं वो इस सीजन, बड़ी बड़ी टीमों को पकड़ के रगड़ा है इन्होंने। नहीं, ऑब्वियसली बात है, और जिस हिसाब से आई थिंक हैदराबाद खेल रही है, ट्रेविस हेड, अभिषेक, मार्करम आप रख लो, मतलब उतनी बात नहीं हो रही उनकी, उनके भी बीच में रन है, अगर दूसरी टीम में इतने रन हो शायद उतनी चर्चा हो जाए। फिर आप नीचे देखो हेनरिक क्लासन बैठे हैं, मतलब इस टीम की बात ही बात हो रही है। अब्दुल समद ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी, इवन शहबाज ने, यार शहबाज ने जो किया है, मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं देख के लगता है नीतीश रेड्डी एक मैच में वो कर गए, मतलब ये भी गया ये भी आउट हुआ तो फर्क नहीं पड़ता एक मैच में, जिसमें आपने नीतीश रेड्डी की बात की, आई थिंक वो पंजाब वाला मुकाबला था जिसमें फंस भी गए थे और नीतीश रेड्डी ने क्या बल्लेबाजी करके उनको निकाला था। तो कहीं ना कहीं इस टीम में एक ताकत ये तो दिख रही है कि बैट से अच्छा भी करते हैं, और दूसरी अच्छी चीज ये भी दिख रही है कि यार ये मतलब अगर कोई नीचे लगाओ, जैसे बॉलिंग ग्रुप में आप देखोगे कि पैट कमिंस अच्छा डाल रहा है, भूवी अच्छा डाल रहा है, कोई नीचे लगाओ तो यार के अच्छा भी करते हैं, और ये जो रन्स का मार्जिन होता है क्योंकि उनको पता है कि बॉलिंग थोड़ा वीक है तो ये रन्स का एक्स्ट्रा लेकर चले, तो ये इसकी तारीफ और इसकी तारीफ और इसके लिए अच्छी चीज़ है जो अब आते भी आपके साथ cricket.com पर टीम्स बनाने और आपको टीम्स भी बताएंगे कि धीरज भाई की टीम क्या है। मैं तो एज अ होस्ट आता हूँ, एक आधी कभी टिप दे जाता हूँ, लेकिन SRH के साथ सेफ चीज़ और ये रहती है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है असली फैंटेसी एक घंटा पहले टीम लॉक हो जाती है, तो SRH जैसा भी खेल रही है उनके पास टीम में चेंजेस कम होते हैं अनटिल अनलेस कोई लास्ट मोमेंट कोई इंजरी वगैरह कुछ रहे, बट अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है, और वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, और लिंक के थ्रू अगर आप जाएंगे टेलीग्राम में तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने मिलने, लेकिन cricket.com को अगर डाउनलोड करोगे लिंक के थ्रू तो आपको 2500 rupees ज्वाइनिंग बोनस, और आप उसी से ही सोचो कितने ज्यादा एक्साइटिंग प्राइजेस आप जीत सकते हो। लेकिन दिल्ली में क्या अपडेट है? दिल्ली में भी मुझे लग रहा है कि दिल्ली स्टिक करेगी जो विनिंग कॉम्बिनेशन उनका रहा है, वहां पर शायद बदलाव नहीं करेगी क्योंकि जेक फ्रेजर मैकगर्क जो उनके लिए रहे हैं, बट हो सकता है, बट क्योंकि अगर ओपनिंग में आप देखो तो कहीं ना कहीं डेविड वॉर्नर का फॉर्म नहीं लगा, बट शायद एक मैच आपने बैठा दिया और शायद उनकी बुद्धि थोड़ा आ जाए, और कई बार होता है फिर ये है ना, देखो जेक फ्रेजर मैकगर्क जो चीज लेकर आ रहे हैं पृथ्वी शॉ फिर करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, फिर डेविड वॉर्नर को खिलाओगे कहाँ पर, ये भी चीज है थोड़ी सी, बट हाँ देन ये है कि भाई क्योंकि उनके पास जैसे शेहोप अभी उन्होंने रखे हुए थे तो कुछ चीजें वो कर सकते हैं कि भाई जेक फ्रेजर मैकगर्क ने तीन खेला था, अच्छी बैटिंग कर दी पिछले मैच, मतलब डेविड वॉर्नर से तो अच्छी बैटिंग, बट ये था ना कि उसमें रन्स ऊपर ही मतलब लगभग रन्स भी नहीं थे, बट हाँ ये कि फ्रेजर मैकगर्क तीन हो सकते हैं तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। डेविड वॉर्नर के लिए आप रेगुलरली हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप वो चेक करते रहें, वहां अपडेट पोस्ट कर देंगे। पिछले मैच में उनके साथ एक इंजरी कंसर्न बताया गया था, डेविड वॉर्नर के साथ एक इंजरी आपको याद होगा फील्ड के दौरान उनका इंजरी कंसर्न था, इसलिए वो बाहर थे, एक फोर्स चेंज भी था। अब पता नहीं है दिल्ली का, क्योंकि आज मुकाबला है SRH वर्सेस इनका, तो मतलब अगर उधर से मारने के लिए ट्रेविस हेड है तो उधर से डेविड वॉर्नर, अगर अपने पे डेविड वॉर्नर आए, मतलब उम्मीद है कि पुष्पा भाव बन जाए अगर, तो वो कर सकते हैं, और यार SRH से तो उनका पृथ्वी पुष्पा भाव वाला रिलेशन है, पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर मैकगर्क, यार मतलब आज के डेट में मतलब अपनी टीम पे यार देखो जो भी हो SRH के लिए, आई थिंक अभी हुआ था ना कि वो स्टोरी पोस्ट करना चाह रहे थे, उनको पता चला मैं ब्लॉक हूं, तो ये सब प्लॉट भी एक, और ऐसे में प्लेयर थोड़ा सा एक रहता है यार मुझे खिलाओ इनके अगेंस्ट, मैं इनको बताता हूं क्या है, तो वो एक जरूर इंटरेस्टिंग रहेगा। तो द मोमेंट डेविड वॉर्नर की कोई रिपोर्ट आती है तो आई थिंक उनको आप रख लीजिएगा अपनी टीम्स में। तो आपकी टीम क्या बनी है? मेरे ख्याल से दिल्ली में ये देखिए जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था, बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे, यहाँ पर पहला मैच है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर भी रन्स दिखेंगे क्योंकि ग्राउंड छोटी है, कभी कभार ऐसा होता है कि दिल्ली का ग्राउंड थोड़ा सा जो पिच है वो स्लो एंड लो रहती है, वो वाली दिक्कत होती है, हमने देखा था रन्स अच्छे आ रहे थे। हाँ, और अभी क्योंकि शुरुआती मुकाबले ब्रेक अच्छी खासी मिली थी तो आपको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटर विकेट्स होंगे, तो उस हिसाब से आपकी टीम क्या है आज? तो काम करते सीधे टीम आपके सामने रखते हैं, टीम आप ये देख रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा कप्तान को लेके वो था कि कैप्टन किसको बनाऊं, क्योंकि जैक फ्रेजर मैकगर्क मुझे लग रहा था यार इनको कप्तान बना देना चाहिए, बट आप इसमें अपनी चॉइस रख सकते हैं कि आप जैक फ्रेजर मैकगर्क को ही कप्तान बना सकते हैं। वैसे मैंने हेनरिक क्लासन को रखा है, दोनों विकेट कीपर पर मैंने बोल लिया है कि एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन, ऋषभ पंत का फॉर्म जिस हिसाब से अच्छा जा रहा है उनको आप बैक करेंगे, ट्रेविस हेड, ट्रिस्टन स्टब्स,
अभिषेक शर्मा, जैक फ्रेजर, मैकगर्क, पृथ्वी शॉ, मतलब पूरी बैटिंग हैवी साइड मैंने टीम बनाई है। एडन माक्रम को रखा है और गेंदबाज में केवल आपको तीन नजर आएंगे, अक्षर पटेल जो ऑलराउंडर की श्रेणी में आते हैं, पैट कमिंस और खलील। मतलब आप सोच सकते हैं कि मैंने पूरा बैटिंग हैवी साइड बनाया है, पूरा बैटिंग हैवी साइड ये टीम बनी है। तो आपकी भी एक्सपेक्टेशंस वही हैं जो शायद दिल्ली क्राउड की रहेंगी कि भाई हमें भी वो रन्स देखने को मिले जो SRH या दिल्ली की टीम से उनकी उम्मीदें हैं। 500 रन दोनों इनिंग्स मिला के, या 500 रन अगर बन रहे दोनों इनिंग्स मिलाकर, तो आपको फिर थोड़ा सा ऐसा होता है कि मजा, पर दिल्ली के लिए टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि फिर दिक्कतें, क्योंकि SRH की बैटिंग ने ये चीज बताई है कि भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल इज नथिंग, कुछ भी आप कह लो, वो उस तरीके की माइंडसेट से क्रिकेट खेल रहे हैं। पैट कमिंस वर्सेज ऋषभ पंत, देखते हैं भाई यहाँ पर कौन किसको साइलेंस करवाता है, साइलेंट करवाता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा। बाकी हमने आपको टीम्स डिस्कस कर दी, आपके क्या इनपुट्स हैं कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या लग रहा है कि ऋषभ पंत भारी पड़ेंगे या पैट कमिंस, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और वहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप जाकर cricket.com को आप डाउनलोड कर सकते हैं, 2500 का ज्वाइनिंग बोनस, और वहां से आप भी खेलिए और फिर जीतिए। तो अभी फिर इजाजत लेते हैं आपसे, ऐसे जो है मुलाकात होती रहेगी और IPL की कवरेज ऐसी बनी रहेगी।